you know. Hi, this is Vikas Shukla and she's my baby, 9-year-old daughter Pari. Basically, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेम सेल्स केयर इंडिया के बारे में एक ऑनलाइन रिसर्च के थ्रू मुझे इस बारे में पता लगा और फिर मैंने इस डिटेल में जाने के बाद में कॉन्टेक्ट किया एसोसिएट के साथ में मार्केटिंग लोगों के साथ में काफ़ी डिटेल में जाने में पता चला कि हाँ इस बीमारी का बेसिकली ये डॉक्टर है ये शी सफरिंग विद द जेनेटिक दिस रेयर जेनेटिक डिसीज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इट्स अ काइंड ऑफ MS सो After discussing all these things with Nishat and all, Stem Cells Care India, in fact. So, I got to know about the doctor for the treatment. बहुत अच्छे से guide किया गया, in fact, मुझे सारा process बताया गया. सारे steps समझाया गया, मुझे कैसे कैसे कहाँ करना होगा. Hospital जो ये है, बहुत ही अच्छा है, इनकी contact को जो मिला है मुझे. बहुत ही supporting staff, बहुत ही caring unit है यहाँ पर सारी. In fact, doctors are also very good. और ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मैं 2 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुआ डॉक्टर को एडमिट किया गुड़िया को बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और आई होप कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इसका इनफैक्ट और रिकमेंडेशन भी है सभी लोगों के लिए अगर कोई MS का काइंड ऑफ थिंग अगर किसी को है कुछ लगता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या काइंड ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है किसी को तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसीजर दैट आई कैन एवर रिसर्च फॉर दैट So best of luck for the future aspirants और जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सभी के लिए best of luck. Thanks a lot.